15 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु यहाँ डी है और रेखा एडी का मध्य बिंदु, रेखा एडी का मध्य, रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु जो है यहाँ पर ई है। तो हमें दिखाना है कि इस बीईडी का क्षेत्रफल जो होगा, बीईडी का क्षेत्रफल 1/4 होगा त्रिभुज एबीसी के। चलिए इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसको देखते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और क्या दिया हुआ है कि ई एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी जो है वह 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। चलिए बहुत ही सिंपल सा है, इसका प्रमाण देखो। आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, आपके बुक में दिया नहीं था और इससे संबंधित उपप्रमेय भी नहीं दिया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कोई त्रिभुज दिया है और त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, यानी कि अगर ऐसे यूं कहें कि यह एडी माध्यिका हो जाएगी, तो माध्यिका क्या करता है, त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, यानी कि सर्वांगसम कहिए या समान क्षेत्रफल वाले भी कह सकते हैं। यहां रखेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ये आप याद रखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो दोनों के आधार की लंबाई समान है और अगर इनके शीर्ष लंब की बात करें तो इसके लिए बाह्य लंब हो जाएगा, इसके लिए अंतर लंब हो जाएगा, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसके बारे में, इससे संबंधित प्रमेय मैं आगे आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन पहले यही जान लीजिए कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसी के आधार पर यह क्वेश्चन बनेगा जल्दी से। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि डी बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, डीसी का मध्य बिंदु है, डीसी का मध्य बिंदु है, तो अगर यहाँ डी बीसी का मध्य बिंदु है तो एडी माध्यिका हो जाएगी, इसलिए एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, माध्यिका है। और जब यह माध्यिका है तो इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगा, यानी कि यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ए डी सी या ए सी डी भी लिख सकते हैं, ए सी डी हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की, यानी बराबर हो रहा है, यानी कि पूरे का आधा होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, सॉरी, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले, दो समान क्षेत्रफल वाले, दो समान क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, त्रिभुजों में बांटती है, बांटती है, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब उसी तरह से, चूंकि आपके पास ई, ई एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु है, यह भी दिया है, तो जब एडी का मध्य बिंदु है आपका ई, तो यह बीई, इसलिए यह बीई जो हुआ त्रिभुज ए बी डी की माध्यिका है, माध्यिका है। तो यहां यह भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, यह बी ई डी इसके बराबर होगा या पूरे का आधा होगा, यानी ए बी डी का आधा होगा, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा अब एक काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी बराबर में 1/2, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की जगह मैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नहीं लिख सकता हूँ, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहां से आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी बराबर में 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गया ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर